केंद्र सरकार की नियुक्तियों के खिलाफ श्रमिक संघ ने आज भारत बंद बुलाया है, जिसके तहत अगर बात करी जाए तो बैंकिंग, परिवहन समेत कई ऐसी जरूरी सेवाएं हैं जिस पर इसका असर पड़ता आपको नजर आएगा। आपको बता दें कि देश के 10 प्रमुख श्रमिक संघों के आह्वान पर करीब 25 करोड़ लोग हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। साथ ही भारत बंद को देखते हुए सरकारी बैंकों ने स्टॉक एक्सचेंज को पहले ही बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की जानकारी दी है। दरअसल AIBEA और बेफी और इनबेफ समेत कई बैंक ऐसे हैं, कर्मचारी हैं, एसोसिएशन जो हैं वो हड़ताल के इच्छुक हैं। उन्होंने बोला कि हम हड़ताल पर सम्मिलित होना चाहते हैं। ऐसे में जमा और निकासी और चेक क्लियरेंस जैसी जो सेवाएं हैं वो प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि निजी बैंकों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा राज्यों में परिवहन समेत अन्य प्रमुख सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। तो साफ तौर पर श्रमिक संघ ने आज केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध भारत बंद का ऐलान किया है, और इसका जो सबसे बड़ा असर आपको नजर आएगा वो बैंकिंग और परिवहन सेक्टर में जरूर नजर आने वाला है, क्योंकि परिवहन विभाग से के भी कुछ ना कुछ गाड़ियां जब आप सड़कों पर निकलेंगे तो आपको असर का नजर आ जाता है। उसके बाद बैंकों की अगर मैं बात करूं तो जमा करने में अमाउंट आप जमा करने अगर कैश जाएंगे तो, आप निकालने जाएंगे तो, और अगर आप चेक की क्लियरेंस के लिए वहां जा रहे हैं तो इन तीन कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजें हैं जिस पर आपको ज्यादा दिक्कत होने वाली है। प्राइवेट बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट बैंक जो है वो इस हड़ताल में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, वहां सुचारू रूप से कार्य चलता रहेगा, लेकिन सरकारी जो बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं इस हड़ताल में सम्मिलित होने के इच्छुक थे और वो शायद होंगे भी। वही राहुल गांधी ने भारत बंद का समर्थन करते हुए ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट करके इसका समर्थन कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मोदी शाह सरकार की जन विरोधी, साथ ही उन्होंने कहा कि श्रमिक विरोधी नीतियों ने भयावह बेरोजगारी पैदा कर दी है और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कमजोर कर दिया है ताकि इन्हें मोदी की पूंजीपति मित्रों को बेचने को सही ठहराया जा सके। आज 25 करोड़ कामगारों ने इसके विरोध में भारत बंद बुलाया है, मैं उन्हें सलाम करता हूं। गौरतलब है कि श्रमिक संघों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। अरविंद विद्रोही जी मेरे साथ हैं, सामाजिक चिंतक हैं। अरविंद विद्रोही जी, भारत बंद का आज ऐलान किया गया है, भारत बंद बुलाया गया है, बैंक्स वगैरह बंद रहेंगे, परिवहन की सुविधाएं बंद रहेंगी, लेकिन राहुल गांधी ने इसको सपोर्ट किया है। राहुल गांधी को हर वो काम करना है जो वर्तमान मौजूदा सरकार के खिलाफ जाए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ये जो नीत है भाजपा की सरकार, उससे बेरोजगार हुए 25 करोड़ कामगार हुए, लेकिन देखा जाए ध्यानपूर्वक तो भारत कांग्रेस की आर्थिक नीति और भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीति में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सारी योजनाएं उसका क्रियान्वयन या वो समान रूप से ही है। इन नेताओं से ये पूछना जरूर चाहिए, जैसे आप ध्यान से देखिए, लोग कहेंगे कि हमको फला अमुक नेता से, जैसे आपको कि हमको चौधरी चरण सिंह के सिद्धार्थ नीति पर चलना चाहिए, हमको डॉक्टर लोहिया पर चलना चाहिए, हमको दीनदयाल उपाध्याय की नीति पर चलना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नीति पर चलना, लेकिन कोई नेता ये नहीं बताता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नीति और सिद्धांत क्या थे, चौरण सिंह के क्या थे, बस वो बोल के और खुद उनका आचरण पहले का या वर्तमान उन नीतियों के बिल्कुल खिलाफ हो। तो चूंकि इनके जब इन्हें जवाबदेही अपनी मानते नहीं है, जो वंशानुगत राजनीति से आए हुए लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमने जो कह दिया उसको राजनीतिक परिवेश में कार्यकर्ता से लेकर के मीडिया जगह तो उसको माने, ना माने तो उसको कह दीजिए कि वो दूसरे दल के इशारे पर काम कर रहा है। अपनी बात को स्पष्ट रूप से, जब तक राजनेता अपने कार्यकर्ताओं में और मीडिया जगत के माध्यम से आम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये ठीक नहीं है। क्या कांग्रेस की 10 साल की मनमोहन सरकार में क्या बैंक कर्मचारी हड़ताल पर नहीं गए थे? तब भी गए थे, डाटा उठा कर देख लीजिए। और कौन सी मांगों को लेकर के वो तब गए थे और कौन सी मांगों को लेकर के आज हड़ताल है? श्रमिक संगठनों की मांगे तमाम होती हैं, कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं पूरी होती हैं। सरकारों का यह नैतिक दायित्व होता है कि अपने नागरिकों को, अपने कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरी किया जाए, और मांग सामने तभी आएगी जब आदमी ज्ञापन देगा, धरना देगा, हड़ताल देगा। ये सब संवैधानिक व्यवस्था में
कर्मचारी संगठन भी बनाए इसीलिए गए हैं कि अगर कोई मांग ना पूरी हो रही हो तो उसको एक प्रोसेस होता है। हड़ताल जो ये हो रही है, ये हड़ताल सरकार इसकी परमिशन बकायदा देती है। अगर ये हड़ताल की परमिशन ना होती तो एक एडवाइजरी जारी होती कि हड़ताल अवैध घोषित की जा रही है। मतलब हड़ताल करने की भी संविधान में व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत अगर कोई कर्मचारी संगठन अपने हड़ताल पर जा रहा है तो वो अपनी बातों को रखने का उसको संवैधानिक अधिकार है। और ये इस दुख को, इस दर्द को, उनके मांग पत्र को सरकार सुनती है। जो भी मांग है जिस हड़ताल पर आज कर्मचारी जा रहे हैं, उनको भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को और पीएमओ को संज्ञान में लेकर के उनकी जो भी वाजिब मांगे पूरी होने वाली हो वो पूरी होने के प्रोसेस में आएगा और होता रहता है। यही सरकारी राजकाज होता है। लेकिन इसमें अब विपक्ष के नेता की तरफ राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर दिया और उन्होंने सोचा कि बस हमको जो कामगार गए हैं वो हमारे साथ आ गए हैं। अब आज हड़ताल हो रही है, शाम को या कल परसों अगर कर्मचारी यूनियन के, यही कर्मचारी यूनियन के नेता ये बयान दे दें कि हम भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार की, मोदी सरकार के वित्त मंत्री के बयान से हमारा शिष्टमंडल मिलके संतुष्ट है, तब राहुल गांधी क्या बयान देंगे? क्या क्या वो नैतिक साहस दिखाएंगे एक ट्वीट करके कि भाजपा की सरकार को, हम वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हड़ताल पर गए हुए शिष्टमंडल की बात सुनी, उनकी समस्या को हल किया। तब तो उनके प्रवक्ता कहने लगेंगे कि कर्मचारी यूनियन के नेता जो है सरकार के हाथों बिक गए। तो ये दोहरा मानसिकता त्याग करके जब आम नागरिकों के, कर्मचारी संगठन को, छात्र संगठनों के हित में आप वाजिब मांगों के साथ आएंगे तभी जनता आपको सराखों पर बैठाएगी और दोबारा वोट देगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ मेरे नए मेहमान जुड़ चुके हैं, अमित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित जी, पहला सवाल, राहुल गांधी ने भारत बंद जो आज बुलाया गया है उसका समर्थन किया है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मोदी और शाह की जो सरकार है वह जन विरोधी नीतियां लगातार लेके आ रही है, उस प्रकार अगर उसके चलते ये जनता सड़कों पर उतर रही है, इस तरीके से भारत बंद बुला रही है, तो मैं इसका इसको लेकर सलाम करता हूँ। राहुल गांधी को पॉलिटिक्स करने का एक अवसर और मिल जाता है ऐसे में। देखिए, ये जो श्रमिक संगठनों की हड़ताल है ये पहले से प्रस्तावित थी, इनकी कई सारी मांगे हैं, ये आज की मांगे नहीं है, लगातार चली आ रही हैं। पीछे की सरकारों में भी इस तरीके के आंदोलन होते रहे हैं, कुछ मांगे मान ली जाती हैं, कुछ का आश्वासन मिल जाता है, उसी के अंतर्गत ये हड़ताल आज आह्वान किया था इन लोगों ने। अब ऐसे में इनकी पॉलिटिक्स करना या कांग्रेस को इसमें इन्वॉल्व होना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि अब कांग्रेस के लीडर हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ कहना है, तो उन्होंने इस चीज को ट्वीट किया है। लेकिन इस तरीके की जो श्रमिकों की मांग है उस पे हमें लगता है कि सरकार से बात करने के लिए, अपनी बात मनाने के लिए ये जो संगठन है ये एकजुट होकर के पूरे देश में एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे सरकार को इन संगठनों की ताकत का एहसास हो। मुझे लगता है कि संगठन पूरी तरीके से इसी बात पर अपनी बात को मनवाने के दृष्टिकोण से एकजुट हुए और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। लेकिन क्योंकि अब इस समय एक ऐसा दौर चल रहा है और पॉलिटिक्स में है, राहुल गांधी को इस तरीके की बात में मजा भी आता है, मुझे लगता है वो इंटरेस्ट लेते हैं इन सारी चीजों में ट्वीट करके। जैसा विद्रोही जी बता रहे थे, बढ़िया बोला इन्होंने कि अगर जब वित्त मंत्री ही अगर इनकी मांगों को सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं तब क्या कहेंगे वो, तब यही कहेंगे कि हमारे दबाव की वजह से जो है इस तरीके का डिसीजन लिया गया जी। यहाँ पर अभी जी एक और बात निकल कर सामने आई, उन्होंने कहा कि जो नीतियां केंद्र सरकार की तरफ से हैं उसकी वजह से भयावह बेरोजगारी पैदा हो चुकी है, सार्वजनिक जो क्षेत्र हैं वो पूरी तरीके से कमजोर कर दिए गए हैं ताकि जो प्रधानमंत्री मोदी के पूंजीपति मित्र हैं वो इनको खरीद सके और दोबारा को ये ना कह सके कि आपने इनका ये जो कंपनियां लॉस में चली थी इन्हें क्यों बेच दिया। अब देखिए, अगर यही बात राहुल गांधी के ट्वीट से इसको जोड़ के देखा जाए तो इन श्रमिक संगठनों की मांग क्या है, ये कह रहे हैं यही बात, ये कह रहे हैं कि जो बैंक्स के लोन हैं वो कुछ घरानों को दे दिए गए हैं, जिनके पास सामर्थ्य है वो पैसे वापस कर सकते हैं और वो पैसे नहीं दिए जा, उनके द्वारा नहीं बैंक को रिपे किए जा रहे हैं, यही तो विडंबना है, यही बात है। जिस तरीके से पूर्व की सरकारों ने लोन में घपलेबाजी करी थी उसी का परिणाम है कि बैंक को मर्जर किया जा रहा है, बैंक को जो है प्राइवेट किया जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं सुधार पे कुछ, जब आप कार्यक्रम करते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगारी का जो वो है वो बढ़ा भी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बेरोजगारी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है और जिसको स्वरोजगार के माध्यम से हमें लगता है कि भाजपा सरकार
ठीक करने का प्रयास कर रही थी और उसमें पता नहीं कितना सफल हो पाए हैं। आंकड़े तो उनको कुछ ठीक बताते हैं लेकिन धरातल पे इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिलती। कागजी हकीकत से जमीन की हकीकत थोड़ी अलग रूबरू होती है, अलग नजारा दिखने को मिलते हैं। विद्रोही जी, ये जो बात कही गई है कि 25 करोड़ कामगारों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है, तो बेरोजगारी को लेकर चर्चा की जाएगी, बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज पहली बार मैं ऐसा कह पा रही हूँ कि हाँ, ये आंदोलन जायज है क्योंकि इसमें सही मुद्दों को उठाया गया है। अभी तक तो पता नहीं कौन कौन से आंदोलन हुए लेकिन वो जायज नहीं लगे, ना तो संवैधानिक तौर पर वो अधिकार क्षेत्र के अंदर रहे। ये जो भारत बंद का आंदोलन है, एक तो ये अधिकार क्षेत्र में है, इसकी परमिशन भी ली गई है, उसके बाद जो मुद्दे उठाए गए हैं वो आम जन के सरोकार से जुड़े मुद्दे भी और इनके खुद की अपनी समस्याएं भी हैं। जी बिल्कुल अजीत, ये बेरोजगारी का मुद्दा अभी इसको नहीं कहना चाहिए क्योंकि जितने लोग हैं वो रोजगार से जुड़े हुए हैं, कर्मचारी हैं। इनको जो भय है वो भय ये है कि जब एकीकरण होगा बैंकों का, जो बैंकों का प्रस्ताव हुआ कि अब एकीकरण हो जाएगा, उससे हमारी नौकरी न चली जाए या नए मर्जर के बाद हमारी पोजीशन क्या होगी, पोजीशनिंग और एम्प्लॉयमेंट दोनों का, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको अनिवार्य सेवानिवृत्त दे दी जाए और कर दी जाए। लेकिन जो वास्तविकता है, कोई भी सर्विस रूल होता है, किसी का भी होता है, उसमें एक काज होता है कि अनिवार्य सेवानिवृत्त का भी उसमें कंडीशन होती है, कुछ महीनों की नोटिस होती है, कुछ महीने की तनख्वाह होती है, कैसे क्या होता है। लेकिन अभी तक जो बैंकों के एकीकरण के बाद है उसमें किसी की नौकरी जा नहीं रही है। हाँ, पोजीशनिंग पर निश्चित असर पड़ेगा। आप इस तरह समझिए, जैसे तीन बैंक हो, तीन बैंक के अलग अलग तीन बैंक मैनेजर थे, अब एक अगर बैंक हो जाएगा तो तीन एक बैंक मैनेजर होगा, तो हाई लेवल पर पोजीशनिंग का तो असर पड़ना ही पड़ना है। हाँ, आप बैंक जब एकीकृत हो रहा है तो अगर आपसे उसको, अब इनको बैंक का सुझाव, कर्मचारी यूनियन ने वही सुझाव दिए हैं कि अगर मर्जर भी हो तो जो ऑफिस है, ऑफिस का सेटअप है, सब है, वो कंटिन्यू रहे, तमाम मांगे हैं उसमें। अब उसमें लेकिन अब वो ही कंटिन्यू रहेगा तो खर्चे तो कम नहीं होंगे। जब ऑफिशियल खर्चे नहीं कम होगा तो बैंक उभरेगा कैसे। दूसरी मांग जो है कि जो उद्योगपतियों को पैसा दिया गया जो वापस नहीं आ रहा है, तो ये समस्या कब की है। अब ये राहुल गांधी के ट्वीट के बाद आज जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अलग अलग तरीके से अलग अलग मिसाइलें और सवाल आंकड़ों सहित दागेंगे, तब राहुल गांधी कहीं गायब हो जाएंगे। देखिए, तो फिर जिम्मेदारी उनके बेचारे प्रवक्ताओं की हो जाएगी, क्योंकि आप कुछ भी ट्वीट कर दो और उसका बचाव प्रवक्ता कैसे करे। प्रवक्ताओं से तो आप पूछ के करिए कि हमको क्या करना, क्या नहीं चलना चाहिए। तो जब वो आंकड़े आने लगेंगे मनमोहन सिंह की सरकार का, आर्थिक उदारीकरण का एक बड़ा काम मनमोहन सिंह, पीवी नरसिंहा राव और राजीव गांधी जी के सम्मिलित प्रयास से हुआ था, उसी की देन तो बैंकों में आर्थिक घोटाले के रूप में भी सामने आई। जब देखिए, अच्छाई और बुराई साथ साथ चलती है, हावी किसको आप होने देते हैं आर्थिक नीति में, उसमें सामरिक, जैसे सामरिक मामलों में समझिए हथियार खरीदे जाएंगे, अब हथियार खरीदे जाएंगे, वो बेईमान कोई हो गया तो उसमें दलाली खा लेगा, तो क्या दलाली खाने के डर से आप देश की सुरक्षा के लिए हथियार ही नहीं खरीदेंगे। हथियार खरीदेंगे, बढ़िया खरीदेंगे, उसमें घोटाला नहीं होने देंगे। उसी तरह आर्थिक नीति में है, जितनी भी मांग इनकी आई है, अब इसको वित्त मंत्रालय को बिल्कुल गहनता से, गंभीरता से इनको समझना चाहिए और एक रास्ता निकाल के जिससे शिष्टमंडल को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर जो बैंकिंग सेक्टर है इसके ऊपर पूरे देश की अर्थव्यवस्था संचालित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इनकी संतुष्टिकरण, इनका मानसिक आर्थिक संतुष्टिकरण देश की आर्थिक नीति के लिए बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है। अमित जी क्या कहेंगे, मांगे कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं कहूँ बहुत जायज मांगों के साथ आज ही बैठे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी पोजीशन को लेकर भी एक टेंशन है कि अगर आप एक साथ मिला देते तो हमारी पोजीशन क्या होगी, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे उस संस्थान में, ये बड़ी बात है कि हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, हमें बेरोजगार ना कर दिया जाए। ये समस्याएं बहुत जायज है और उसको लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने बिल्कुल अलग ट्विस्ट जाके दिया अपने ट्विटर से, क्या कहेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी को तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग इस बात को अब सीरियस लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो तो कोई भी बात जो उसमें कह देते हैं, जब जो उस समय जैसा माहौल होता है वो अपनी बात कह करके बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनको जवाब कुछ देना नहीं होता है। लेकिन अगर हम इस तरीके की जो बैंकिंग प्रक्रिया है, इस बैंकिंग प्रक्रिया के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तो एक इस तरीके का प्रावधान इनके यहाँ VRS का दिया हुआ है कि जितनी इनकी जॉब बची हुई है उतनी सैलरी इनको दे करके जो है
वीआरएस लेने का है कंसेप्ट, लेकिन अब इसमें क्या है कि ऐसे में सारे लोग इस बात के लिए या बहुत सारे लोग इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जो काम नहीं कर रहे हैं उनको निकाल दिया नौकरी से, इसी तरीके से बैंकों में भी ये चल रहा है क्योंकि जरूरत से ज्यादा कुछ जगहों पर स्टाफ ज्यादा है इनका। और जो लोन का जो इनका कंसेप्ट पीछे के सरकारों से चला आ रहा है वो सबसे बड़ी समस्या बैंकों के लिए बन गया है, जो उदारीकरण के नाम पे जिस तरीके से बैंकों के साथ बड़े घरानों ने लोन लेकर के भ्रष्टाचार किया, वो आज की डेट में अगर पूरी तरीके से वापस ले लिया जाए तो बैंकों की स्थिति तो सुधरेगी लेकिन भारत में जो व्यापार की स्थिति है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। कोर्ट के इतने इन्वॉल्वमेंट के बाद भी अभी हम माल्या का पैसा जितना जब्तीकरण कर पाए लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं पीएनबी का उसी तरीके से फंसा हुआ है। उसकी तो अपनी देनदारी होगी क्योंकि ये बैंक्स जो पैसा लेते हैं वो मार्केट का पैसा होता है, पब्लिक का पैसा होता है, उन्हें पैसा देना होता है। इसीलिए तमाम देखिए बैंकों के बड़े बड़े घोटाले आए, अभी भी कुछ बैंक्स लाइन में खड़े हुए हैं लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि इस तरीके की चीज़ों से बचा जाए। ऐसे में अब ये संगठन जो है इनकी मांग जायज है, इनका प्रयास ठीक है कि ये ऐसे में संगठित होकर के सरकार को इसका कोई जो बेस्ट वे है वो निकालने का प्रयास करें। देखिए आज के इस परिवेश में किसी की भी जॉब जाने का जरा सा भी अंदेशा होता है तो वो बहुत घबरा जाता है, इसीलिए इन पूरे श्रमिक संगठनों ने एक साथ पूरी ताकत के साथ आज इस जो स्ट्राइक है उसके आह्वान में सारे लोग सम्मिलित हुए हैं। आप देखिए इसमें बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं और सरकार मुझे लगता है कि गंभीरता से इस पे विचार करेगी और इसमें कुछ ना कुछ जो है वो डिसीजन इनके फेवर में आएगा। अब बैंकिंग की जहां तक बात है उसमें जो लोन्स बैड लोन हो चुके हैं, जो घरानों को बड़े घरानों को दिए जा चुके हैं, उनसे वापस लेने के लिए तो सरकार को प्रयास करना होगा। सरकार के पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो उसकी भरपाई कर पाएगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति घरानों के साथ बनी हुई है जिसका बीच का रास्ता बैंक्स निकालना चाह रहे हैं। क्या उनको आगे लोन दे करके कवर करेंगे या उनकी प्रॉपर्टी अटैच करके या उनकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके अपना पैसा रिकवर करेंगे, यही सारी समस्याएं हैं जिसके पीछे भी और बहुत सारी चीजें हैं और वो इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। अरे जी कहीं ना कहीं अभी तक जो चर्चा में चीज निकल कर सामने आई, जो लोन बड़े घरानों को दिया जा रहा है वो रिफंडेबल नहीं हो रहा है, तो क्यों ना जो बड़े बिजनेसमैन हैं, खासकर बड़े घराने हैं जो बहुत हाई अमाउंट में लोन लेते हैं, उनको उस प्रोसीजर पे जांच के ही लोन दिया जाए कि रिफंडेबल हो जाए। क्योंकि आमतौर पर जो नागरिक लेता है उसके पास तो इतने नोटिस पहुंच चुके होते हैं, पहली किस्त है उसके बाद इतनी नोटिस आ जाती है कि उसे याद रहता है कि मुझे अपना लोन वापस चुकाना है। एक बात इसमें जोड़ दूं क्या भैया जी, आम आदमी का लोन तो उसके ITR, उसका पूरा डॉक्यूमेंट, उसकी प्रॉपर्टी का 60% लोन उसको दिया जाता है जी। लेकिन आप ये जानते हैं कि माल्या को ब्रांड पे मिला है लोन, बिल्कुल कि साहब आपका ब्रांड इतना एस्टैब्लिश है, किंगफिशर की मार्केट वैल्यू का एक आकलन हुआ, उस आकलन में ये पाया गया कि साहब ये 1000 करोड़ का ब्रांड है, तो उस ब्रांड को मानक मान करके उस ब्रांड को प्रॉपर्टी माना गया और उसके अगेंस्ट लोन दिया गया है। तो ये तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसने उदारता दिखाई थी माल्या जी के प्रति, तभी जाकर के उनको इस तरीके के लोन मिल पाए, लेकिन आम आदमी को नहीं संभव है। मैं यही कंपैरिजन करना चाह रही थी विद्रोही जी, अगर एक आम व्यक्ति को, अगर एक आम नागरिक, आम बिजनेसमैन जो है वो अपनी चीजों को दिखा के, डॉक्यूमेंटेशन को दिखा कर ही एक लोन ले सकता है, पर्टिकुलर अमाउंट ले सकता है, जितना बैंक को पता है कि हम इससे वसूली लेंगे एनीहाउ, तो फिर क्यों ना उसे बड़े घराने का व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी प्रॉपर्टी का भी पहले आप आंकलन कर लीजिए, उसी अनुसार उसको दीजिए, ताकि ये स्थिति ना आए कि आए दिन बैंक ये कह दे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें मर्ज करा जा रहा है, नौकरी खड़ते रहे में है और देश बंद हो जाए। काव्या जी यही मैंने अभी पहले कहा था कि अभी दोपहर के बाद जब राहुल गांधी के ट्वीट पर आंकड़े के सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता, वो कई प्रवक्ता है और वो सब उनकी सबकी शैली अलग अलग है, अलग अलग शैलियों की, अलग अलग जैसे मिसाइलों की मार कैसे झेल पाएंगे, क्योंकि ये जो आर्थिक उदारीकरण के कारण जो बैंकों को लोन देने का तरीका सरलीकरण हुआ था, फैक्ट्री के आधार पर, जमीन के आधार पर, गारंटी के आधार पर, ब्रांडिंग के आधार पर, ये नियम कब आया, वित्त मंत्रालय में कब नियम बदला गया, वित्त मंत्री उस समय कौन था, प्रधानमंत्री उस समय कौन था, सेक्रेटरी कौन था, किस बैंक को कब दिया गया, इसके पूरे डाटा दोपहर तक भारतीय जनता पार्टी का स्टडी सर्किल, उनका मीडिया सेल सब निकाल के फिट करके अलग अलग प्रवक्ताओं को दे देगा। उसके बाद जैसे ही कोई
कांग्रेस का प्रवक्ता इस पर बोलेगा इनकी हड़ताल पर, वहां से दे दलादल शुरू हो जाएगा और उसके बाद इनके लोग कहेंगे अब आप हर बात को पिछली सरकार को दोषी क्यों ठहराते हैं। देखिए सरकारें जो है किसी पार्टी की नहीं होती है, सरकारी देश की होती है और देश की सरकार जब कोई नीति बना देती है तो देश उस पर चलने लगता है। कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, जो उसने नीति लागू की उसका देश को अगर फायदा मिला तो उस नीति का जो दुष्प्रभाव के कारण जो नुकसान हुआ खासकर आर्थिक उदारीकरण का, वो बैंकों में आर्थिक घोटालों के रूप में हमारे सामने आ गया है। ये कहीं भी बैंक में जो लोन लिया बड़े बड़े उद्योगपतियों ने और लोन लेकर के जो लोन न देने की स्थिति आई, वो केवल आर्थिक उदारीकरण में लोभ सुलभ करने के, और गारंटी उसकी केवल ये कि आपकी ब्रांड है, आपका नाम है, आप वापस करेंगे ही। 500 करोड़ का लोन वापस करने की नौबत आ रही है तो 1000 करोड़ का लोन लेने की सुविधा भी उस पैकेज में है। 1000 का हो गया है तो 1200 का लोन का भी, अगर ये लोन का प्रोसेस चलता रहता पिछली मोदी सरकार जब 14 बनी तब से, तो अभी तक ये कोई घटना ही नहीं होती। सरकारें लोन देती रहती, बैंक को एनपीए करती रहती और आपका काम चलता रहता, उस पर विराम लगा कि नहीं आपका इतना हो गया अब आपको जमा करना है। जैसे व्यक्तियों की वसूली होती है कि नहीं आपने ले लिया अब आपको देना है, नहीं तो आपकी जमीन कुर्क होगी, संग्रहमीन पहुंचेगा। वही प्रक्रिया बड़े स्तर पर शुरू हुई, जब बड़े स्तर पर शुरू हुई तो लोगों ने भागना शुरू किया और उनकी संपत्ति को सीज होना शुरू किया। तो अब बीमारी को पकड़ करके बीमारी का इलाज जब शुरू हुआ है, ये जितने रोगी थे उनकी शिनाख्त हुई है, उनका ऑपरेशन होगा। अब ऑपरेशन में जो बैंक के कर्मचारी हैं उनकी कोई गलती तो थी नहीं, नीतियां तो सरकारें बनाती हैं, तो अब उनके ऊपर संकट आया है, रोजगार और उनकी विश्वसनीयता उनके परिवार का, उसको सरकार श्योर करे कि आप बैंकिंग सेक्टर के जितने लोग हैं आपको नौकरी करनी है। सरकार की नीति के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है और सरकार एक नीति बनावे जिससे बैंक कर्मचारियों का हित सुरक्षित रहे और भारत की जनता का जो राजस्व का पैसा है, जो उद्योगपति वापस ले गए उसको वापस ले, चाहे संपत्ति मर्ज करके ले और चाहे उनकी प्रॉपर्टी जो है पूरी पूरी नीलाम करके ले। बिल्कुल, ये सरकारों का काम है। बिल्कुल अमित जी, आज जो है एक तरीके से ताकत दिखाने बैठे हैं ये संघ कि हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम भारत को बंद कर सकते हैं। 25 करोड़ की जो जनसंख्या है वो एक साथ जाके बंद कर सकती है, क्या लगता है आपको असर होगा, एहसास होगा सरकार को कि पुरानी नीतियां कुछ ज्यादा खराब हो गई थी? सरकार से सपोर्ट की बात है, नीतियां तो देखिए अब तो जो चीज होनी थी वो हो गई है, बस केवल आगे से उस दिशा की तरफ ना बढ़े। अभी जब सरकार इंडस्ट्री को लोन करती है तो जमीन 1 रुपए और 2 रुपए पे लीज पे दे देती है। अब 100 बीघे जमीन वो लीज पे मिली है 1 रुपए पे, सरकार का प्रमोशन होता है, बैंक उसमें लोन करता है। केवल जो बड़े उद्योग घराने हैं वो केवल प्लान बनाते हैं, पैसा सरकार का, जमीन सरकार की और प्लान उनका होता है और सारा बेनिफिट वो लेके जाते हैं। जब से सरकारों ने ये प्राइवेट लोगों पे भरोसा करना शुरू किया है, देखिए तब से इस तरीके की चीज़ें बढ़ी हैं। पहले के दौर में जो सरकारी कंपनियां थीं उनका जो सरकार ने बनाई थी वो आज भी रन कर रही हैं और वो किसी न किसी वजह से सरकारी हस्तक्षेप की वजह से घाटे में आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उसमें सेफ थी, सिक्योरिटी थी। अब गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर के नाम पे बाहर जो बड़े उद्योग घराने हैं उनको अपना पैसा अपनी जमीन दे करके प्रमोट कर रही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को इस बात को समझना होगा और हमें प्रोफेशनल हायर करके गवर्नमेंट में जो इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट कर सकें, कैसे बढ़ा सकें, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री के जब किसी भी बड़े इंडस्ट्रीज के पीछे देखेंगे तो कोई ना कोई MBA पास आउट या कोई उस मैनेजमेंट का आदमी ही तो काम करता है। वो तो केवल मैनेजमेंट करता है, जो मेन आदमी होता है वो केवल बैंक का और गवर्नमेंट का लाइजन करता है। तो गवर्नमेंट खुद अपने लिए, गवर्नमेंट के पास पूरे संसाधन है, गवर्नमेंट का पैसा है, उसी पैसे से प्राइवेट आदमी काम कर रहा है और गवर्नमेंट फेल हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस पे पुनः विचार करना होगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। अब जाकर के इस तरीके की चीजों पे हम रोक लगा पाएंगे, वरना प्राइवेट में तो आप देखिए जिसको भी चाहे, आप हमारे यहाँ जेपी को देख लीजिए, जेपी कितने बड़े कर्जदार हैं आज की डेट में, लेकिन जेपी ने एक रोड बनाई और उस रोड बनाने के नाम पे अगल बगल की जितनी जमीनी थी सब उस पे लोन ले लिया हुआ है। उनका भी करीब करीब जो है 5000 से 8000 करोड़ का मामला है, किसी न किसी वजह से सरकार बचा रही है उनको, लेकिन आज नहीं कल वो स्थिति सामने आएगी, क्योंकि जो पैसा आप खर्च कर चुके हैं, जो पैसा आप मैच में लगा चुके हैं, जो पैसा आप सट्टे में लगा चुके हैं, वो पैसा आप लाएंगे कहां से? वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो बैंकों का डर यही है, इसी वजह से ये
श्रमिक स्ट्राइक पर है। बिल्कुल, ये जो स्ट्राइक है ये आज ये एहसास दिलाने के लिए सरकार की की गई है कि आपकी कुछ नीतियों की वजह से आज हमारे रोजगार पे संकट आ चुका है। तो जितना हो सके तो लोन देते समय थोड़ा ध्यान रखे किसे देना है क्या नहीं देना, ये सरकार दे, क्योंकि बैंक के कर्मी को तो जो परमिशन ऊपर से मिली जाएगी, जो नियम होंगे, जो प्रोटोकॉल्स होंगे वो उसे फॉलो करेगा, उसे उसको उसके अनुसार देना पड़ेगा। लेकिन सख्त नियम जो है वो कानून के अलावा सरकार को भी बनाने पड़ेंगे ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके और जो सेक्टर्स हैं, जो जॉब्स हैं उन्हें बचाया जा सके। यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जबां की मौत से पहले। बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। जरा जोर से कहिए मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए। सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जबां की मौत से पहले। बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। जरा जोर से कहिए मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए। सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जबां की मौत से पहले। बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। जरा जोर से कहिए मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए। सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जबां की मौत से पहले।
बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। जरा जोर से कहिए, मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए। सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। बोल क्लब आजाद है तेरे बोल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि बड़ा अलग सा पहलू अब नजर में आया है, क्योंकि पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और मनसे प्रमुख राज ठाकरे की गुपचुप मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। जहां सूत्रों के अनुसार फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात मुंबई के लोअर परेल के इंडिया अबूस इमारत में हुई, वहीं इस बीच एक घंटे तक उनके बीच बातचीत भी चली है। आपको बता दें कि इस मुलाकात में राज्य की वर्तमान स्थिति और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई है। साथ ही 23 जनवरी को मुंबई में मनसे का सम्मेलन है और उससे पहले ये भेंट काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल सूत्रों के माने तो शिवसेना के कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिलाने के बाद भाजपा राज्य में अपने हिंदुत्व के मुद्दे को धारदार बनाए रखने के लिए मनसे को अपने साथ लेने के लिए तैयार है। जबकि खबर यह है कि मनसे अपने सम्मेलन में झंडे को बदलने की घोषणा भी करेगी, जो पूरी तरह केसरिया होगा और उस पर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर बनी होगी। जानकारों के अनुसार अगर भाजपा मनसे के साथ आते हैं तो ये देखना रोचक होगा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे द्वारा पीएम मोदी पर किए गए हमलों पर भाजपा क्या कहेगी और राज ठाकरे भी मोदी को लेकर क्या नया रुख अपनाएंगे। राजनीति में बहुत पुरानी कहावत है कि यहाँ ना कोई पक्का दोस्त होता है ना कोई पक्का दुश्मन होता है। आज दोस्त है, कल दुश्मन हो सकता है, आज दुश्मन है, कल दोस्त हो सकता है। राज ठाकरे, अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र में राज ठाकरे के व्यक्तित्व की या पहचान की, तो बाला साहब ठाकरे के बाद अगर हिंदुत्व के लिए किसी को पहचाना गया महाराष्ट्र में तो वो राज ठाकरे रहे हैं। एक बात कही जाती है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत जो है वो उद्धव ठाकरे को मिली जरूर है, लेकिन जो वाजिब अधिकारी उसके थे वो राज ठाकरे थे, क्योंकि अपनी बात को वो उतनी ही मुखरता से रखते हैं जितने की बाला साहब ठाकरे रखा करते थे। इसीलिए हर व्यक्ति बाला साहब ठाकरे की एक पहचान जो है वो राज ठाकरे में देखते नजर आते हैं। उद्धव ठाकरे को तो उनके पुत्र होने के नाते विरासत में उनको मिली ही शिवसेना, लेकिन राज ठाकरे में वो पहचान थे। और अगर अब वो राज ठाकरे फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं तो जरूर चर्चा का विषय बन जाता है। मेरे साथ मेहमान मौजूद है, उनसे इस खबर पर चर्चा कर लेती हूँ। अमित जी, क्या कहेंगे, दो ऐसे लोग आपस में मुलाकात कर चुके हैं जो एक दूसरे की लगातार बुराई करते नजर आए हैं, अब साथ हैं, मुलाकात हुई है, झंडा भी बदलने वाला है, झंडे का चिन्ह भी बदलने वाला है, बहुत कुछ परिवर्तित होने वाला है। आपने अपने इंट्रो में कहा ही है कि देखिए, ये कहीं ना कहीं अब जब राज ठाकरे को एक अवसर मिलेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी का उनको सपोर्ट मिलता है तो मुंबई में उन्हें अपने विस्तार के लिए, अपनी पार्टी के विस्तार के लिए और जो उनकी छवि है उसके हिसाब से काम करने का एक बड़ा अवसर उन्हें मिलेगा। राज ठाकरे पूरी तरीके से बाला साहब की छाया लेकर के, उनकी छवि लेकर के, उनके पैटर्न को, उनके स्टाइल को, हर चीज को राज साहब ने कॉपी भी किया हुआ है और यह गॉड गिफ्टेड भी होगा मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उनको जब भी हम लोग पहले देखते थे या उनका बात करने का तरीका या वो आर्ट करते हैं या वो डिजाइन बनाते हैं, जब भी कोई भाषण देते हैं वो उसी तरीके से, उसी एग्रीवनेस से, उसी ताकत से, उसी जोश के साथ वो बात रखते थे। जैसे कि बाला साहब ने अपने कैरियर के शुरुआत में दक्षिण भारतीयों के साथ जो है, जो जिस तरीके का और मुंबई के वासियों का तालमेल था या नहीं था उसको आगे बढ़ाने में काम किया था, उसी तरीके से राज साहब ने भी काम किया, लेकिन वो हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ शुरू कर दिया। मुझे लगता है ये थोड़ा सा उनका डिसीजन दुर्भाग्यपूर्ण रहा, मुझे लगता उन्हें एहसास भी रहा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वहां पे ठेले वालों को या यूपी में जो काम करने वाले लोग थे उनके प्रति जो एक आक्रोश उनके कार्यकर्ताओं ने दिखाया, उसी का दुष्परिणाम था कि जो उन्हें विस्तार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन में थी, उनका स्वाभाविक अलायंस था उनके साथ, तो इसलिए स्पेस इनके लिए नहीं थी। ऐसे में अगर इनकी नजदीकियां बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं उद्धव जी के लिए एक समस्या तो होगी होगी और राज ठाकरे जी के लिए ये उनकी पार्टी के लिए अच्छे संकेत। बिल्कुल,
विद्रोही जी, मैं अगर राज ठाकरे की बात करूं तो लोग उन्हें बहुत अलग पहचान से जानते हैं, एक तेज तर्रार नेता के रूप में, एक मुखर वक्ता के रूप में, जो अपनी बात को बहुत बेबाकी से रखते हैं। जब उनसे, मुझे याद है, एक इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया था कि आखिरकार आप उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा था कि मुझे नफरत नहीं है, वो मेरे मुल्क के निवासी, इस देश के जन्मे हुए बच्चे हैं, तो उनसे तो मुझे वैसे भी प्रेम है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप उत्तर प्रदेश और बिहार छोड़ के अगर महाराष्ट्र में नौकरी पाने आए हैं तो आपकी सरकारें कर क्या रही हैं, आपको नौकरी क्यों नहीं दे पा रही आपके राज्य के क्षेत्र भर में। उन्होंने कहा कि उसके बाद अगर मेरे यहाँ के क्राइम रेशियो आप बढ़ाएंगे तब तो मैं आपको अपने राज्य में अंदर प्रवेश नहीं करवा सकता, मुझे इसलिए आप वर्जित लगते हैं या मैं इसलिए आपके यहाँ आने को जायज नहीं ठहराता। लेकिन अब वही जो राज ठाकरे हैं वो बीजेपी के साथ मिलने वाले हैं, मतलब वो जो एक सीमा में बंधा महाराष्ट्र था अब वो देशव्यापी होने की तैयारी पर है। देखिए काव्या जी, राज ठाकरे के संबंध, पहले तो मैं बता दूं, राज ठाकरे के संबंध पूरे हिंदुस्तान में तमाम लोगों से है। राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो भारतीय विद्यार्थी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी। सारे लोग हैं, बहुत से लोग अपने अपने जगह राजनीति कर रहे हैं, सब है। दूसरी बात, राज ठाकरे राजनीति में उत्तर भारतीयों के संदर्भ में, जैसे अभी अमित भाई ने बताया, वो जो कहना चाहते थे या जो उनका एक्ट होता था वो उतनी अच्छे से, न दिल्ली में उनका कोई पक्ष रखने वाला है न उत्तर भारतीयों के बीच कोई रखने वाला था, इसलिए वो अपना पक्ष वास्तव में रख नहीं पाए। उत्तर, और आपको जान के हैरानी होगी कि राज ठाकरे के निकटतम अगर 10 मित्र देखे जाए तो उसमें 6 जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं, यही के लोग हैं जी। और यही बात वो बार बार दोहराते हैं और कहते हैं कि स्थानीय बेरोजगारी का मुद्दा, मैंने भी इस पर लिखा है, स्थानीय बेरोजगारी के तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता है। महाराष्ट्र पूरे देश का है, निश्चित रूप से महाराष्ट्र ने पूरे देश में के लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन महाराष्ट्र की भी नगरीय सीमा की आबादी की एक क्षमता है, महाराष्ट्र भी एक रोजगार देने की एक अधिकतम सीमा रखता है, कोई संस्थान, कोई प्रदेश, कोई देश रखता है। आखिर महाराष्ट्र की तर्ज पर जैसे इंडस्ट्री स्थापित हुई, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी, नोएडा में भी फिल्म सिटी बनाने की एक प्रयास हुआ, वो सफल क्यों नहीं हुआ, दिल्ली में सफल क्यों नहीं हुआ, बिहार में हमारे लोगों, अच्छा उद्योग धंधों पर आ जाइए, उद्योग धंधे क्यों नहीं उत्तर भारतीय क्षेत्र में लग पाए। केवल आप सोचिए, कल क्या कोई कल्पना कर सकता है कि सब्जी बेचने, ठेला खींचने और टैक्सी चलाने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के और बिहार के सुदूर गांवों के लोग वहां पर जाएं और नौकरी करें और चालों में रहें, और वहां के नेताओं के लिए एक उर्वरक जमीन का काम करें, तो वहां का जो सजग नागरिक होगा, जिसको इसकी चिंता नहीं होगी कि हम जीत के आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन वो सवालों को प्रमुखता से उठाएगा, तो जनता के वाजिब सवालों को बिना राजनीति के नफा नुकसान की, बिना अपनी छवि बिगड़ने की चिंता की, अगर कहने का काम महाराष्ट्र की सियासत में कोई कर रहा है तो राज ठाकरे कर रहे हैं। राज ठाकरे ने मुद्दों को कभी नहीं छोड़ा। राज ठाकरे ही वो शख्स हैं कि जिन्होंने स्थानीय बेरोजगारी की बात की, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों के जो ठेला लगाने का, फेरी लगाने का ये काम है, ये तो महाराष्ट्र के लोग करें, जो तकनीक के काम है, जो बड़े काम है, बड़े पोस्ट के काम है, रेलवे की भर्ती निकलती है रेलवे बोर्ड की, अब रेलवे बोर्ड की भर्ती में मान लीजिए महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में उस दिन बोर्ड का एग्जाम है और सारी ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार की, उससे उत्तर प्रदेश बिहार के नौजवान निकल रहे हैं, क्या सवाल उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवानों को, अपने सांसदों को, अपने मंत्रियों को घेर के नहीं कहना चाहिए कि बिहार में आज तक शिक्षा भर्ती बोर्ड में बिहार के लोग इतने बेरोजगार क्यों हैं कि हमको दूसरे भर्ती बोर्ड में जाना पड़ रहा है, रेल मंत्री नहीं दिया क्या बिहार ने, बिहार ने रेल मंत्री दिया, रेल मंत्री का घेराव क्यों नहीं किया, सबसे ज्यादा बिहार में, बिहार के रेल मंत्री होने के बावजूद अगर बिहार के लोग सारे बोर्डों के एग्जाम में जाएंगे तो महाराष्ट्र के वो नौजवान जो क्लास 4 और क्लास डी की, ग्रुप डी की भर्ती भी ना मिले, फेरी वाले भी वहां पर बिहार के रहेंगे, हमारे रहेंगे, तो आप सोचिए। विद्रोही जी, जब बाला साहब थे तो उन्होंने भी पश्चिम के जो दक्षिण के लोग थे उनके लिए भी यही बात, तो उन्होंने विरोध नहीं किया था। देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि समझा नहीं पाए इतना कारोबार, राज ठाकरे भी समझा नहीं पाए और उनकी कोशिश, देखिए हम लोगों ने लिखा है काफी, राज साहब से संवाद भी विभिन्न माध्यम से होता करता है, तो अभी मुझको लगता है 3 महीने पहले मैं लेख लिखा था, मैंने ये मांग भी की थी कि राज ठाकरे को अब चुनावों के बाद बड़े
पैमाने पर अपनी बात रखने के लिए नए कदम उठाने चाहिए। पूरा आसमान खुला है। बेरोजगारी के सवाल पर जितना मुखरित नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस की सरकार को राज ठाकरे ने बिना चुनाव लड़े ललकारा और लड़ा, उसको फलक को सही दिशा देने के लिए आपको हिंदुस्तान के हर कोने पर जाना चाहिए। ये मेरी मांग थी और सार्वजनिक मांग थी। वो मांग संभवतः पूरी होने जा रही है क्या कि जब तक देश के हर प्रांत में हर मंडल स्तर पर उद्योग धंधे रोजगार की स्थापना ना हो तो कम से कम जो लेबर की पोस्ट है जो लेबर की पोस्ट है वो हमको मिलने लगे तो हम महाराष्ट्र बेंगलोर क्यों जाएं जो इंजीनियरिंग करने वाला है प्रशासनिक वो देश के हर कोने में जाएगा। लोग तो इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए और उत्तर प्रदेश सबसे बेहाल है। लेकिन देखिए जितनी भी औद्योगिक नगरी है वो कहीं ना कहीं समुद्र के पास वो रास्ता, क्योंकि समुद्र पहले हुआ करता तो मुझे लगता है कि ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। इस वजह से जहां जहां आप देखेंगे कि समुद्र है वहां वहां पे जो कैपिटल्स हैं वहां पर व्यापारिक राजधानी आर्थिक राजधानी ज्यादा तेजी से प्रगति करती है कि बनस्पत उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश संख्या में बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। मुंबई में थोड़ा ज्यादा पाए जाते हैं लेकिन आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश चाहे बिहार के लोग हों, चाहे पंजाब में जाते हों, चाहे मुंबई जाते हो, चाहे बेंगलोर में जाते हो। नीतीश कुमार जी ने इसलिए तो कहा कि अगर दिल्ली में एक दिन भी बिहार के लोग काम बंद कर दे तो पूरा दिल्ली ठप पड़ जाएगा। नहीं, नहीं, तो क्या नीतीश जी को देखिए, नीतीश जी बड़े हैं, समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता हैं, उस नाते तो आदरणीय है, इज्जत होती है, लेकिन क्या नीतीश जी को शर्म नहीं आ रही है कि बिहार के लोगों को हम बिहार में रोजगार नहीं दे पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में रोजगार ठप है। मेरे मेरे अपने बगल के गए जनपद बाराबंकी में कितनी मिलें बंद हो गई। अरे जगदीशपुर में, जगदीशपुर में कितना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया था राजीव गांधी ने। राजधानी में अब ट्रांड बंद हो गया, कितनी सुगर मिले हमने बेच खाई, और आईटी का यहाँ पर अब ट्रांड बंद हो गया, सुगर मिल और जगदीशपुर में हमारे पास इतने सारे प्लांट लगे थे, मतलब जीन्स बनाने का कारखाना, क्योंकि मैंने देखा था जाकर के जब उसका ओपनिंग हुई थी, इतना बड़ा कारखाना और वो धूल फांक रही मशीनें वहां पर, क्या व्यवस्था करी गई? उत्तर प्रदेश की सरकारों ने अगर इंडस्ट्री को प्रमोट करने में यहाँ के एटमॉस्फेयर को देखते हुए या यहाँ कर का जो माहौल है उसको ध्यान में रखते हुए अगर इसको प्रमोट किया होता तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर कम होता। कहीं ना कहीं पर इंडस्ट्री लगाने की बात थी, भोजपुरी इंडस्ट्री लगाने की, योगी सरकार जी ने, योगी जी ने कहा, सुभाष घई जी से लेके अब तो रवि किशन और मनोज तिवारी कौन कौन भोजपुरी के स्टार भी साथ में है। आप बताइए कितना समय हो गया है, कहीं पर आपको जानकारी आ रही है कि भोजपुरी इंडस्ट्री आज आज एक के लिए कहीं जगह हुआ या शुरू हुआ? एक चीज तो बड़ा है कि उत्तर प्रदेश में आज फिल्म इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा सब्सिडी के लिए सब्सिडी के लिए आ रहे हैं। देखिए इससे उत्तर प्रदेश के रंग कर्मियों को, थिएटर आर्टिस्टों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, उनका पैसा आने वाली कंपनी मांग रहे हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, देखिए उसी की वजह से, इस योजना की वजह से ही आज ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, और उसमें एक क्लॉज है कि अगर आपकी 90% शूटिंग, 90% शूटिंग आपकी उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, उसमें आपका होटल का बिल, जो जूनियर कलाकार हैं उनका बिल, इलेक्ट्रिक का बिल, उतने सारे वेरिफिकेशन अगर हैं तभी आपको सब्सिडी मिलेगी, अन्यथा आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन तो चाहे थोड़ा ही सही सही, लेकिन कुछ लाभ सरकार ने अपनी बिलिंग हो रही है, उनको काम नहीं मिल रहा है, पॉकेट्स के लोगों को वहां रोजगार हो रहा है, सब हो रहा है। यहाँ मेरा सवाल ये है कि हमकारी सरकारें योजना बनाती हैं, समाजवादी सरकार में मुलायम सिंह ने फिल्म सिटी बनाई तो वो चौपट हो गई, नहीं हो पाई। योगी योगी सरकार की नहीं गुंडा, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी कहके हम कहाँ छोड़ सकते हैं? बंबई से बड़ी गैंगवार कहीं नहीं होती है और बंबई में फिल्म इंडस्ट्री चल रही है। देखिए ये प्रशासनिक ब्यूरोक्रेसी का फेल्योर है। उत्तर प्रदेश के नौकर साहब भ्रष्टम है, इसलिए वो सरकारों की अच्छी योजना को लागू नहीं होने देते हैं। बिल्कुल, ये जो चर्चा अभी हुई इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर राज ठाकरे की बीजेपी से मुलाकात हुई है तो कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो भी राजनीतिक स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर आपके कानून तक पहुंचने वाले हैं। क्यों अमित जी सही कह रही हूँ ना, अगर ये साथ में जोड़ा मिला तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो अभी एक एक करके मुखर होगा। सबसे पहले आएगा रोजगार का मुद्दा, फिर आएगा आपका इंडस्ट्रीज का मुद्दा। इन मुद्दों के बाद कहा जाएगा कि आपके युवा, जो आपके राज्य के युवा हैं, उन्हें अपने ही राज्य में रोके किसी भी तरीके से, इतने इंडस्ट्रीज लगाइए, इतना रोजगार दीजिए उन्हें,
आपकी बंद पड़ी कारखानों को खोलिए वापस से, उनमें काम शुरू करिए, ताकि लोग जो स्थानीय कारीगर है या खेती बाड़ी के लोग भी हैं तो वो उन चीजों का उत्पादन बढ़ाए, तभी तो वैरायटीज निकालेंगे वो भी। उनका जो सामान है वही नहीं बिक रहा है, वो बेचारे, मैंने अभी तस्वीरें देखी जब 200-250 रुपए किलो प्याज मिल रहा था जगह जगह पर, एक महिला क्योंकि वो अब उसके पास प्याज बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं था तो वो उसको जाके मंडी में नहीं लेके गई, खुद ही अपने खेत के बाहर सड़क पर बैठ गई। उस दौरान उसने 60 रुपए में बेचा, 60 रुपए किलो उसने प्याज बेचा अपना, और वो इतना रोई उससे जब उसे पता चला कि मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है और उसने कितने में बेच दिया, क्योंकि मार्केट वैल्यू नहीं पता। और कैसे पता होगी जब कोई खरीदने वाला व्यक्ति उसे बता ही नहीं रहा कि उसका मार्केट रेट क्या है। अमित जी, जब ये चीजें सब एक साथ आएगी तो बहुत कुछ बदलेगा, और राज ठाकरे को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बाला साहब ठाकरे, क्योंकि मैं लगातार कह रही हूँ कि एक छवि है उनमें तो गूंजती आवाज सुनाई देने वाली है। देखिए, उत्तर प्रदेश ने अभी इंडस्ट्री के मामले में कितने सारे सबमिट किए, हम लोग ये मान के चल रहे थे कि निश्चित ही कुछ ना कुछ परिवेश बदलेगा या परिदृश्य हम लोगों को देखने को मिलेगा जी। लेकिन अभी तक कोई चीज ऐसी सामने आई नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक उदाहरण है, नोएडा। हम नोएडा में बता रहे हैं कि साहब हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे हैं और सबसे ज्यादा मोबाइल के जो पार्ट्स हैं और जो मोबाइल बन रहे हैं वो नोएडा में हम बना रहे हैं। ये पहले से चला आ रहा था, सेंशन भी लगी हुई थी वहां पे नोएडा में, क्योंकि दिल्ली से करीब है, NCR में है, तो इसलिए कनेक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से लोगों को ज्यादा सूट करता है। हम लोग जब उत्तर प्रदेश के पूरे बड़े उत्तर प्रदेश में जब बात करते हैं तो सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के भी एक लॉन्च किया हुआ है। जी जी जी। लेकिन अभी उस पे जो सरकार की योजना है उस पे भी किसी तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, चाहे जो वजह हो। अब इंडस्ट्रीज आएगा कहां से जब बैंक उसको लोन नहीं करेंगे? जितने भी अब तक 70 साल के इतिहास में अगर जो भी इंडस्ट्रीज है वो या तो मुंबई रहता है या दिल्ली रहता है या बैंगलोर रहता है, जब तक सरकारें उसे टैक्स लाभ या कुछ योजनाओं का लाभ नहीं देती तब तक वो कहीं जाता नहीं है। अब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर बहुत ज्यादा गरीबी है, ऐसे में वहां से आदमी निकलता है और तुरंत रोजगार पाने के दृष्टिकोण से मुंबई, कलकत्ता या बड़े शहर की तरफ जो है वो जाता है कि जिससे वो अपना कुछ रोजी रोटी कमा सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। देखिए, राज साहब को ये वाला अपना डिसीजन कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार और इस तरीके की अगर क्षेत्रवादी राजनीति की बात होगी तो वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो सकती है। अगर विकास विकास ये भी समझना पड़ेगा कि जो बात कह रहे हैं उसका एक पॉइंट तो एटलीस्ट एक्सेप्ट कर ले कि अपने आके युवाओं को रोजगार हम उन्हीं के सरजमी पर दे सके। बिल्कुल, ये बात अच्छी है अगर आप उत्तर प्रदेश में रोजगार एस्टेब्लिश कर दें। भाई देखिए, यहाँ पर IT में ही हम लखनऊ की बात कर रहे हैं तो लखनऊ में टाटा ने अपना बंद कर दिया। अभी TCS यहां से जाने की बात हो गई, सरकार रिक्वेस्ट करके उसको रोक रही है। भाई क्यों कर रही है ऐसा? भाई ऐसी क्या वजह है? काव्य जी, फेरी वालों पर अमित भाई का एक मैं बता दूं, क्योंकि बहुत महाराष्ट्र में वो मराठी सारे MNS के लोग, मैं उनके कई लोगों से कहता हूं कि आप लोग हिंदी में भी बोला करो। आपको जान के आश्चर्य होगा कि राज साहब एक हिंदियों के पहली बार हिंदी भाषा में बोले थे पिछले 2 जून को। तो ये सब बड़ी सफलता है। क्या कि जो फेरी वालों पर होता है कि मनसे के लोग मारते पीटते हैं करते हैं, वहां पर जो लोकल ट्रेन्स चलती हैं लोकल स्टेशन के बाहर, BMC का है कि जितने लोग वहां बेचेंगे और सब करेंगे वो लोगों को नगर निगम से कार्ड मिलता है, एथराइज्ड होते हैं। एथराइज्ड लोग जो होते हैं वो भी उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं, उनकी भी एसोसिएशन है। वो एसोसिएशन बड़ी है, मैं बता रहा हूं, वो एसोसिएशन मनसे का भी, वो एसोसिएशन बेरोजगार सेना करके है। उन लोगों ने बताया कि तमाम लोग, हम लोग 20-30 लोग एथराइज्ड हैं वहां पर। अब जिसको देखो ठेला लगा के आ जाता है। मनसे के लोगों ने ज्ञापन दे करके MBMC से कहा आप उसको रोकिए, नहीं रोक पाए। मनसे के लोग वहां पहुंचे और लोगों का उन्होंने कार्ड चेक किया, लोगों ने कहा हम कार्ड नहीं है, फला नेता कांग्रेस के कोई, उसने हमारा ठेला लगवाया है। तब मनसे के लोगों का कहा नहीं, तुम लोग गैरकानूनी काम कर रहे हो, तुमको हटना पड़ेगा, और उनको हटाया। उसका प्रोपोगंडा ये हुआ। देखिए, वो सारी समस्याएं सारे लोग अपने अपने जिले में घेरते हैं, यहाँ पुलिस हटाती है, वहां चूंकि औद्योगिक नगरी है तो वहां जो, और देखिए कितनी दुर्घटनाएं ट्रेन में ओवरलोडिंग के कारण होती है। किसी भी शहर पर, किसी भी देश पर अनावश्यक जनसंख्या के दबाव गैर वाजिब है। स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। असली एजेंडा राज ठाकरे का ये है, लेकिन वो उसका प्रस्तुतिकरण वो नहीं वो बहुत अलग तरीके से कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही एक समस्या है। इसी वजह से क्षेत्रवाद का विवाद है, वो इसी वजह से बढ़ता है। आप तमाम मुंबई के लोगों से जब बात करते हैं तो वो एक उनके मन में भाव आ गया है कि उत्तर प्रदेश के लोग हमारा रोजगार ले रहे हैं, और
ये भी उनके अंदर भाव है। अगर मैं पूरे साउथ जोन के लिए बोलूं, लेकिन तो क्योंकि साउथ जोन के लिए जो नॉर्थ जोन है वो एक क्रिमिनल एरिया बन चुका है, मैं इस चीज को एहसास करके आई हूँ। काव्या जी, उत्तर प्रदेश बिहार के हम लोग ये क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात कहने का नौकरी मैं रिक्शा खींचने की नौकरी, सब्जी बेचने की नौकरी, भिंडी बाजार आप वहाँ पर, ये भी हमारे राज्य में हमको नहीं मिला तो मिल क्या रहा है? वहाँ क्या सब्जी बेचने आप बंबई गए हो? बिल्कुल, अमिताभ बच्चन वहाँ पे गए हैं, कलाकारी करने गए हैं, और सारे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हैं, क्या भला कर दिया उत्तर प्रदेश का? अगर आप पॉलिटिकल बात करेंगे तो इस तरीके से, तो देखिए राजनीति में जो एटमॉस्फेयर का बात होता है, जो माहौल होता है, उसके उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की बात होती है। इंडस्ट्री की बात लगाने में कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ, जैसे हिंडालको एक चल रही है, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है जो एल्युमिनियम के फील्ड में काम कर रही है, वो काम कर रही है। लेकिन अगर इस तरीके से प्रमोशन जब पहले सरकारों ने किया था, अगर सरकारें करती तो मैं कह रहा हूं निश्चित उसका लाभ देखने को मिलता। लेकिन अगर सरकारों को भी घेरना, लेकिन कहीं ना कहीं आप घरानों पे बेस्ड करेंगे तो घराने मुंबई, दिल्ली और बड़े शहरों के आसपास रहेंगे, वो आकर के देवरिया, गोरखपुर, बिजनौर और इन सब जगहों पर आके इंडस्ट्री लगाने वाले। यहाँ 15 से 17 सुगर मिल केवल देवरिया डिस्ट्रिक्ट में थी, 17 सुगर मिल बंद हुई। जिम्मेदार तो हमारे लोग हैं, राज ठाकरे को क्या कोसना? बिल्कुल जायज से निकल के आई है। अगर एक निचले तबके की नौकरी, सी या डी ग्रेड की नौकरी के लिए भी आपको दूसरे राज्य में दूसरे व्यक्ति की नौकरी लेनी पड़ रही है, तो सवाल पहले अपनी सरकार से करिए कि आप ठेला नहीं खींच पा रहे अपने राज्य में, तो आपकी सरकार आपके लिए कर क्या रही है? अगर आप इंजीनियर हैं, एमबीए हैं, या फिर आप किसी बड़े डेजिग्नेशन पोस्ट पर हैं, तब तो चलिए आपका कहीं और ट्रांसफर हो जाना या किसी और जगह जाना, किसी और राज्य में जाना एक बार को वाजिब हो जाएगा। लेकिन रिक्शा चलाने के लिए, ऑटो टेम्पो चलाने के लिए, सब्जी की फेरी लगाने के लिए अगर आपको उत्तर प्रदेश और बिहार से मुंबई जाना पड़ रहा है, तो यकीन मानिए घेराव करिए अपने सरकार का और पूछिए कर क्या रही है फिर वो। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ।